फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाएंगे सोया चाप की सब्जी, वो भी बिल्कुल होटल स्टाइल में। देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने सोया चाप ले लिया है, ये मैंने आधा किलो ली है, और ये प्याज है और ये टमाटर है। प्याज को मैंने इस शेप में काट लिया है और ये टमाटर को भी मैंने इस शेप में काट लिया है, यानी थोड़े बड़े बड़े पीस में काट लिया है। ये 3 से 4 टमाटर है और ये 3 से 4 ही मीडियम साइज के प्याज है। आइए देख लेते हैं और क्या क्या सामान चाहिए हमें। फ्रेंड्स, देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या मसाले चाहिए। ये नमक है, ये कश्मीरी मिर्च है, और ये धनिया पाउडर, हल्दी, ये गरम मसाला, ये सोया चाप मसाला है, आप कोई भी सोया चाप मसाला ले सकते हैं। ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची को भी मैंने इस तरीके से शेप में काट लिया है, और ये अदरक है, अदरक को भी मैंने इस बड़े शेप में काट लिया है, और ये लहसुन है, यानी लहसुन 5 से 6 है, और अदरक को मैंने इस शेप में यानी 2 इंच ले लिया है और उसको इस टुकड़े कर दिए हैं। आइए देख लेते हैं और क्या क्या सामान चाहिए। फ्रेंड्स, और हमें चाहिए 1 कप दूध या 1 कटोरी दूध। मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है। और सूखे मसालों में यानी खड़े मसालों में हम देख लेते हैं, एक ये मैंने इलायची ली है, 2 लौंग, और ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, और थोड़ा सा जीरा, और 1 तेज पत्ता। आइए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने चाप ले ली। अब चाप की डंडी को मैं इस तरीके से निकाल दूंगी, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाती है, ये देखिए। और फिर मैं इसको रख के इसके छोटे छोटे पीस कर लूंगी, ये देखिए मैं इस तरीके से पीस कर रही हूँ। आपको अच्छे लगे तो आप करना, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पीस कर लिए। इसी तरीके से मैं अपनी सारी चाप के पीस कर लूंगी, छोटे छोटे, यानी 1-1 इंच के, ये देखिए आप। फ्रेंड्स, देखिए, ये मैंने दूसरी चाप भी ले ली है और इसी तरीके से मैं इसके पीस कर रही हूँ, ये देखिए। ऐसे ही मैं अपने सारे चाप के पीस करूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने अपने सारे चाप के इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। मैंने एक पैन ले लिया था और पैन में मैंने पहले से ऑयल डाल दिया था। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है क्योंकि मैंने पहले से ही ऑयल गर्म कर लिया था। अब इसमें मैं चाप डालूंगी, जो मैंने चाप के, सोया चाप के जो छोटे छोटे पीस किए थे। आप बिल्कुल सावधानी से डालना, ये देखिए, क्योंकि इनको पहले धोना पड़ता है, तो मैंने इनको धो दिया था, ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, फिर इसको इनको धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे पलट देना, ये देखिए, और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है, ये देखिए। और फ्लेम इसका, गैस का, मीडियम ही रखना, ज्यादा हाई नहीं रखना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी सोया चाप कितनी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसको इस तरीके से निकाल लूंगी, ये देखिए, प्लेट में ये मैंने पेपर लगा के रखा है, यानी टिश्यू पेपर लगा के रखा है। तो मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसके अंदर निकल जाएगा, और बाकी की मैं अपनी सारी चाप इसी तरीके से कर रही हूं। देखिए, मैंने सारे चाप अपनी फ्राई कर ली है। अब आइए ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं ये सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, ये देखिए, जो मैंने आपको बताए थे, और ये इसके बाद ये तेज पत्ता भी, और इसको 2 मिनट इस तरीके से चलाऊंगी मैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मसाले भून चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिए। अब प्याज को मैं हल्का भूनने दूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, प्याज हमारे थोड़े भून चुके हैं। तो अब इसके बाद ये मैं अदरक और ये लहसुन डाल रही हूँ, और इनको भी मैं थोड़ा भूनूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, प्याज हमारे भून चुके हैं, यानी हमें इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है, यानी ज्यादा नहीं गलाना है। अब इसके बाद मैं ये टमाटर डाल दूंगी, ये देखिए, और इनको भी मैं अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट ही भूनूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने टमाटर मिक्स कर दिए। अब इसके बाद ये मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कीजिए, और मैं इनको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भूनूंगी।
देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्याज हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब मैं गैस बंद करूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी, यानी मैं मिक्सर में इसको पीस लूंगी। और फ्रेंड्स, गरम गरम नहीं पीसना है, इसको ठंडा होने देना है। तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया, यानी इसको ठंडा होके फिर इसका पेस्ट बना लिया। आइए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वही कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये जो ग्रेवी बनाई है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ग्रेवी डाल दी है। अब मैं इसको इस तरीके से ऐसे मिक्स कर रही हूँ ऑयल में, और इसको अच्छे से पकने दूंगी, यानी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब देखिए इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। तो मैं सबसे पहले ये हल्दी पाउडर ले रही हूँ, ये मैं एक छोटी चम्मच ले रही हूँ, और नमक मैं ये बड़ी चम्मच ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। फ्रेंड्स उसके बाद ये देखिए, मैं छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, और 2 बड़ी चम्मच ये लाल मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद ये मैं चाप मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी चाप मसाला ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिया था, इससे टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है। और ये देखिए, इसको मिक्स करूंगी मैं, और उसके बाद मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और मसाले काफी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी, तो पानी मैं ये 1/2 कप ले रही हूँ। ये देखिए, पानी आप ज्यादा या कम ले सकते हैं, यानी ग्रेवी के अनुसार आपको ज्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए या फिर पतली चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करते जाएं। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पानी मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब मैं दूध ऐड करूंगी, दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने 1/2 डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये 1/2 बचा हुआ दूध मैं और डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको 2 मिनट पकाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, आप देख सकते हैं ये उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ये चाप ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारी चाप डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से उबाल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। देखिए, गर्मा गर्म चाप बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे के साथ या चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, यानी बिल्कुल होटल जैसा। तो अगर आपको मेरी चाप की, यानी सोया चाप की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।